गर्मी का मौसम हो, इस तरह से ठंडा ठंडा खीरा और वो भी चटपटा मसाला छिड़क के मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गया ना आपके मुंह में पानी, भाई पानी आना तो बनता है। तो इस खीरे का जो भी जादू होता है ना, वो सिर्फ इसके मसाले में होता है, इसके सीक्रेट मसाले में। तो आज हम बनाएंगे वही सीक्रेट मसाला। जब आप एक बार इस तरह से मसाला खीरा बनाएंगी तो बाहर के मसाला खीरा को बाय बाय कह देंगी। तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है फ्रेंड। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा चटपटा तीखा ठेले वाले भैया जैसा मसाला बनाना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा और आप देख रहे हैं वरदान पकवान। तो यहाँ पे मसाला खीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के खीरे लिए हैं। इनको मैंने धो करके रख दिया था फ्रिज के अंदर और ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अगर आप ठंडा खीरा लेंगी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो खाने में। हम क्या करेंगे, इनको दोनों ओर से काट लेंगे इस तरह से और छील देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों खीरों को इस तरह से ऊपर से और इधर से नीचे से काट लिया है और इसको हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों खीरे छिल करके तैयार हो गए हैं और इस तरह से हम उसे बीच से काट देंगे। तो यहाँ पे आप इसको किसी भी तरह से काट सकते हैं, मैंने इसे लंबा लंबा काटा है। आप गोल भी काट सकते हैं और बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं। तो मैंने इसका जो नीचे का पार्ट है उसको थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहने दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बना लेते हैं हम इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ली है और उसमें डाला है मैंने आधा चम्मच सफ़ेद नमक और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब काला नमक। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी मसालों को हमें बराबर बराबर मात्रा में डालना है। तो अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर। तो ये घर का गरम मसाला पाउडर है इसलिए मैंने थोड़ा लिया है, आप डालें तो आधा चम्मच डालें। और अब मैंने लिया है यहाँ पे पुदीना पत्ता, तो ये सूखा हुआ पुदीना पत्ता है जिसको घर में ही तैयार किया था मैंने, इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का यूज़ किया है। आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो नॉर्मल जो मिर्ची आती है पिसी हुई, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा आधा बड़ा चम्मच के करीब चाट मसाला पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है एक नींबू जिसको हम ऊपर से काट के छिड़केंगे खीरे के ऊपर। इसको मैं काट लेती हूँ। फिर देखिए नींबू तैयार है हमारा। तो हमें क्या करना है, इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप इसी तरह से मसाला बना करके डिब्बी में स्टोर करके रख सकती हैं, जब भी आपका मन करे फटाफट से खीरे के ऊपर छिड़क करके खीरा मसाला तैयार कर सकती हैं। तो हमारा मसाला तैयार है और इधर हमारे खीरे भी पहले ही हमने कट करके रख लिए थे। और चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने मसाले को जो हमारे खीरे हैं इनके ऊपर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो आप फटाफट से इस तरह से मसाला खीरा बना करके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक मसाले डाल करके खीरा तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम दूसरा खीरा भी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जब भी आपको खीरा खाने का मन हो इस तरह से मसाला छिड़किए उस पर और तुरंत खाइए। अगर आप इसको छोड़ देंगे रख करके तो इसमें से ना पानी निकल आएगा और फिर मसाला जो है बेकार हो जाएगा, छूट के गिर जाएगा, तो वो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। तो जब भी आपको मसाला खीरा खाना हो तो फटाफट से इस तरह से आप उसे तैयार कर सकते हैं। और अब हम इस पर डालेंगे नींबू। तो नींबू छिड़कने के बाद ये लीजिए हमारे मसाला खीरा बन करके तैयार है, आप इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान है इन्हें बनाना, फटाफट से हम इसको बना सकते हैं, बस हमें मसालों का ध्यान रखना है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलूंगी ऐसी ही और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहिए बी पकवान, आपका दिन शुभ हो।